1998 इंडिया पर कैपिटा जीडीपी इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का जैसे उस समय अटल जी की सरकार थी, यानी 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा था, अच्छा प्रोग्रेस हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया, 35% को 30 पर ले आ गए वो लोग। यानी इन सारी कंट्रीज ने भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया। यूपीए की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया, हमसे गरीब थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी हम 30 पर से 37 पे पहुंचा दिया, और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं ये मामला 42% पहुंच गया है, यानी 30 छोड़ा था हम 42 ले, और ये हाईएस्ट है जी। यानी हमारी इनकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है, मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है और नई नई आकांक्षाएं, और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के। और कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे, पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली भगत लगता है, अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है, आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब,